गई और मेरी गर्भवती हो गई। यो हुदा हो बर्बाद हो बर्बाद हो बर्बाद। शर्मिंदा वेतन खागे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। शर्मिंदा वेतन खागे मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। वो कोरोना योद्धा बतावे मुर्दाबाद। लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल जिले से। जी हां, हुड्डा कार्यालय की तस्वीरें हैं और हुड्डा कार्यालय के ठीक सामने आप ये देख सकते हैं जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, किन कारणों से ये लोग यहां पर विरोध कर रहे हैं, बात करने की पूरी कोशिश की जाएगी। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्यों आज यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, क्यों विरोध किया जा रहा है? हुड्डा मुर्दाबाद, चार महीने का वेतन खा के मुर्दाबाद। श्रीमान जी, हमारे सफाई कर्मचारी हैं उड्डा के अंदर 50 से 60 55 के बीच में, इनकी लगातार चार महीने से ये कार्य निरंतर कर रहे हैं, आज तक इनकी तनख्वाह नहीं दी। जो हमारे पहला मैक भारद्वाज जी ईओ साहब से उन माना यहाँ 8 दिन प्रदर्शन किया, उन्होंने 1 या 2 महीने की तनख्वाह डाल ली। फिर हमारे नए ईओ साहब आए, हम इनसे यूनियन के पदाधिकारी मिले, इन्होंने विश्वास 2 दिन का टाइम लिया, अभी 2 दिन के अंदर अंदर हम सब की सैलरी आपके खाते में डाल देंगे। लेकिन उन्होंने 2 दिन के बजाय विभाग को 1 हफ्ते का टाइम दिया, लेकिन आज तक इनको 4 महीने की मतलब सैलरी नहीं दी गई। हमारी कई बहनों का भाइयों का तो बिजली का मीटर भी पट गया, दूध के लिए पैसे नहीं है, राशन के लिए पैसे नहीं है, लत्ते कपड़े के लिए पैसे नहीं है। तो जिस कच्चे कर्मचारी को आप अंदाजा लाओ 4 महीने से वेतन नहीं मिलेगा तो अपने घर का गुजारा कैसे चलाएगा। ऐसे ही ओल्डी कल्चर विंग के अंदर है, नया ठेकेदार आता है, कच्चियों को टा देता, उनको लगाता नहीं, ना डीसी रेट देता। ऐसे हमारे सीवरमैन भाई हैं, इनका भी 8 महीने का पिछला वेतन ईपीएफ खा गए, वो बड़ी मुश्किल से हमने कह कू के आज तक इनको नहीं मिला। तो हमारे उड्डा के अधिकारी कच्चे कर्मचारियों के साथ इतना शोषण कर रहे हैं कि इनको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है इनके पास, और सफाई के लिए हमने फिर भी कहा भी हम विभाग का कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाना चाहते, हम कार्य भी करेंगे। ये सरकार के लेटरों की भी अवहेलना कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं कि जब तक हमारे कच्चे कर्मचारियों को 4 महीने का वेतन नहीं मिलेगा, माने 1 दिन और प्रदर्शन करा था और आज से हमारा प्रदर्शन शुरू है, जब तक ये तनख्वाह नहीं देंगे कच्चे आदमियों को और हर महीने की 7 तारीख तक वेतन नहीं देंगे, तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। झाड़ू भी अपने घर से लेके आते हैं जबकि काम विभाग का करते हैं, कोठियों के अंदर बगैर लेते हैं, आज फलानी कोठी पे चले जाए और उसी कर्मचारी को वही काम फिर अपनी साइड पे आके तो नहीं करना पड़ता है। हम कोठियों का विरोध करते हैं कि हम किसी कोठी पे काम नहीं करेंगे, और डीसी रेट की मांग करते हैं, बरसाती की, मासिक की, कोई स्वास्थ्य की इनकी सफाई कर्मचारियों की जाँच नहीं है, सारा इन अनदेखी हो रही है, कोई डीसी रेट नहीं है। तो हम है ना उड्डा के अधिकारियों से बार बार यही कहते हैं, और ईओ साहब आए थे गाड़ी से उतर के अंदर चले गए, फिर जब हमारे नारेबाजी हुई फिर भी हमारे साथ में लिकड़ के चले गए, उन्हें एक बार भी नहीं कहा अभी आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो, हम तुम्हारी तनख्वाह देंगे, कब तक लुक लुक का बाजेंगे। हमने फैसला किया जब तक हमारे कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं देंगे, अन्य मांगों पर बातचीत नहीं करेंगे, तुम्हारा हर रोज ऐसे प्रदर्शन जारी रहेगा। आप आए, आपके लिए आपका धन्यवाद। आप ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से काफ़ी कर्मचारियों की यहाँ पर एक मौजूदगी देखी जा रही है, काफ़ी महिलाओं की यहाँ पर मौजूदगी देखी जा रही है। बताया जा रहा है कि 4 महीने से, जी हाँ 4 महीने से इन कच्चे कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप शेयर भी अवश्य करें। हरियाणा के करनाल जिले की तस्वीरें हैं, कुछ एक महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, सीधी इनसे भी बात करने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप बताएं क्या कुछ कहना चाहेंगे, करना क्या मन, काम मिलना चाहिए, काम मिलना चाहिए। बस ले आ, कितने महीने की सैलरी नहीं मिली आपको? सैलरी तो जी रखे हैं, हम टाइ रखे जी कई महीने था। अच्छा, पैसे 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 नहीं दिए गए आपके? तो जी हमारे तो मिल गए, हां इनके रह रहे हूं। आपके आपके कितने पैसे रह रहे हैं? 1 महीने के रह रहे जी हमारे तो। 1 महीने के? 3 महीने वाले कौन है? ये झाड़ू वाले। 3 महीने आपके आपके 3 महीने के पैसे रुके हुए हैं? 5 महीना लग गया जी। 4 महीने के पैसे रुके हैं? 5 महीना लग गया सर। अच्छा, कोई तनख्वाह का नाम नहीं है जी। मारो मारी में हमने काम करे, कोई भी मारा उड्डे का काम तक नहीं हो अभी, कहीं कहीं भी मारा कोई। इतनी महिलाएं हैं जिनको 4 महीने से सैलरी नहीं मिली है? 60-70 बंदे हैं जी हम। अच्छा, हाँ जी, कोई तनख्वाह नहीं है हमारी किसी की। लोग ऐसे है जी जिनको पैसे नहीं मिले 4 महीने से, हाथ खड़ा कर दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं 4 महीने से, जी हाँ 4 महीने से इन सफाई कर्मचारियों को पैसा नहीं मिलता है।
जिस वजह से ये लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें ताकि ये जानकारी हर एक तक पहुँचाई जा सके। हालांकि जो हुड्डा विभाग के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर जरूर पहुँचे थे लेकिन कर्मचारियों से बात नहीं की है। वहीं दूसरी ओर कर्मचारियों का साफ कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती इसी प्रकार से हुड्डा कार्यालय के ठीक सामने रोज प्रदर्शन किया जाएगा। तो जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट भी आप अवश्य डालिएगा, अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर लिखिएगा कि आखिरकार ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो कहीं ना कहीं सफाई करते हुए दिखाई देते हैं, कोठियों में सफाई करते हैं, कार्यालयों में सफाई करते हैं, फिर इनकी तनख्वाहें आखिरकार क्यों नहीं दी जाती। अपडेट आपको देते रहेंगे, आप इसी तरीके से बने रहिएगा करनाल न्यूज़ 24।